100 ग्राम, 100 ग्राम कीमा निकालना है इतने सारे। अरे आधा गिलास पानी तो पिला दे। बिग लेग पीस माशाल्लाह। आज जुमेरात का दिन है, आज गोश्त स्टार्ट हुआ है। वकास से कितना गोश्त बना रहे हो? कितना गोश्त है? अच्छा, सब अलग अलग कस्टमर हो गए हैं। हर बंदे की डिमांड होती है कि भाई वकास भाई हमारा गोश्त बनाए। भाई इतना बिजी होता है, लोग फिर टाइम ले लेते हैं, कोई 1 घंटे बाद आता है, कोई 2 घंटे बाद आता है। पाए बना रहे ध्यान भाई, वकास भाई राने बन रही है, सारी राने बन रही है। लोग अपने शौक है, कोई रान का शौकीन है, कोई दस्ती का शौकीन है, पर टेस्ट है दस्ती में। अच्छा टेस्ट किस में? दस्ती में। हाँ हाँ, ये जूसी गोश्त होता है। ये अंकल को 10 किलो गोश्त चाहिए इनके लिए, वजन हो रहा है गोश्त। साफ होने के बाद देखें असली कलर आ जाता है गोश्त, देखें। और हम तो गोश्त वोश्त नहीं निकालते हैं, देखें चिचड़े। बाबा बैठो, 5 मिनट बैठो सिर्फ। ये पुट है, आप लोगों को पता ही होगा। ओ इससे क्या होता है? मतलब अच्छा अच्छा रियान भाई सच है। ये
साफ होने में टाइम लगता है यार, बस बन तो गोश्त एक मिनट में जाता है। हमारी कोशिश होती है कस्टमर की शिकायत ना आए, देखें हाँ ये हम अपने लिए नहीं रख रहे, अच्छा ये जिस कस्टमर का गोश्त है ना वो वीडियो भी देखेगा, तो हम कोई चीज़ नहीं छुपाते, सबके सामने साफ सुथरा काम। कस्टमर यहाँ मौजूद नहीं है, कस्टमर अपने घर पे भी सो रहा है। हमारी दुकान पे माशाल्लाह बहुत पुराने पुराने कस्टमर जनरेशन चल रही है, पहले इनके बड़े आते थे, अब बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के बच्चे आ रहे हैं। मंगल बुध गोश्त बंद होता है कराची में, आज से गोश्त स्टार्ट है जुमेरात, इसीलिए थोड़ा ना सब फ्रेश गोश्त कटता है सुबह सुबह। और फ्रेश गोश्त बहुत कम जगह पर मिलता है और रात को कटा हुआ होता है, ये सुबह फ्रेश बकरे कटते हैं, ये देख कर आपको पता चल जाए, तो मैं वीडियो में एडिटिंग नहीं करता। ताज़े गोश्त का ये कलर होना चाहिए, ये यहाँ से कस्टमर को डील करते हैं, जिसका गोश्त होता है देते हैं, और यहाँ पे बनता है गोश्त, यहाँ भी गोश्त बनता है, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, आइए ऑर्डर लेते हैं और डील करते हैं कस्टमर, उनको गोश्त चाहिए दे रहे हैं, 4 किलो चाहिए, 7 ये देखें, ये अलग कस्टमर का माल है, ये अलग कस्टमर का माल है, भाई देते रहते हैं यहाँ से गोश्त, ऑर्डर आता रहता है और यहाँ बनता रहता है, लाइन से गोश्त बनता है, गोश्त Thank you.
एक बार भी नहीं चलाया मैंने। किसको कौन से साइज की बॉडी बना रहे? नॉर्मल से छोटी। मुझे अभी ऑर्डर आया भाई के पास, लेकिन बोटियाँ देखें माशाल्लाह, खूबसूरत साइज। ये पकने के बाद भी इसी तरह रहेंगी आपकी बोटियाँ। ये दो नहीं, ये दो हैं जुड़ी हुई थी आपस में, फिर जुड़ गई। ये आपके पास सीख होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी। और तो बकास भाई का छुआ तो माशा इस तरह से काम करने के लिए ना बार चाहिए होते हैं टाइट। अब तो रोज अपनी छुरी को दो बार घिसना चाहिए, छुरी और छुरे को। दस किलो गोश्त है, दो जगहों पर बनेगा। अंकल बैठे हैं यहाँ, ये भाई आए, उनको भी लेग पीस चाहिए। Thank you.
कौन से अच्छा आपको जितना चाहिए जितनी तादाद में चाहिए मिल जाएगा और पूरे बकरे चाहिए तो यहाँ से बकरा पसंद कर लें और कटवा लें। जिंदा बकरे भी होते हैं हमारे पास, टीके के लिए भी बकरे मिल जाते हैं, सबके के लिए भी मिल जाते हैं और फिर घर ले जाके कटवाना है तो उसमें लड़का साथ चले जाते हैं आपको। ये गोश्त साफ हो चुका है अब, ये भी रहने घर में नॉर्मल बॉडी बनेगी, इसमें घर बंदा नॉर्मल बॉडी कर रहा है। अच्छा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला साइज़ है ये, सालन बिरयानी कुछ भी बना सकते। अलग अलग बनती है, हर बोटी दूसरे बोटी से अलग है। बन एक मिनट में जाता है, गोश्त को साफ करने में बहुत टाइम लग जाता है।
जो तेरी गैर माशाल्लाह खाते पीते घर का बच्चा है, तीन पराठे खाते है, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप देखें बेटा पराठे गिन, एक दो तीन। इमरान भाई तुमने जितनी तादाद में चाहिए आपको मटन मिल जाएगा, कौन सा पार्ट चाहिए कि भाई देखें सब अपनी पसंद का गोश्त लें। ये लंबे लंबे करके बनाओ, बाकी आप सफाई करो मैं आता हूँ। और इन्हें पर्दी का जो निकले छोटा नहीं करना, लंबा लंबा था जो छोटा हो छोटा हो जाए, जो लंबा जो लंबा नहीं लंबा रहना। मैंने तक आता माशाल्लाह। अच्छा ऐसा